नमस्कार जैन साथियों स्वागत है आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प यूट्यूब चैनल के आज के इस नए वीडियो में मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों के लिए क्लास सिक्स की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर फोर लेकर के आया हूँ और आज के इस चैप्टर में हमको पूरे थर्टी क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि आज हम आप सभी लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे और आज के इस चैप्टर से हमको प्राचीन भारत का इतिहास मिलता है क्योंकि आरंभिक नगरों के विषय में सारे क्वेश्चंस हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइए शुरू करते हैं इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे अभी तक के पीछे की वीडियोज को नहीं देखा है जिसमें हमने अभी तक क्लास सिक्स की जो एनसीआर टी हिस्ट्री की क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो है उसमें चैप्टर वन से लेकर के थ्री तक के वीडियो आ चुके हैं और क्लास सिक्स और क्लास सेवन की एनसीआर की जो समरी है इसको कंप्लीट पढ़ाया जा चुका है और साथ में क्लास एट की एनसीईआरटी को पढ़ाया जा रहा है जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी को कंप्लीट किया जा चुका है और साइंस को पढ़ाया जा रहा है तो आइए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को सबसे पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है ऑप्शन ए हड़प्पा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो ऑप्शन सी लोथल ऑप्शन डी सौतका को सौतका को है ठीक है तो इसके चार ऑप्शन हमने आप सभी लोगों के सामने रख दी है आप लोगों से उम्मीद देखी है कि हमारे आंसर देने से पहले आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें चलिए अब इसका आंसर हम आप सभी लोगों को बताते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हड़ता अर्थात हड़प्पा ओके हड़प्पा नगर इसकी खोज सबसे पहले की गई थी चलिए आइए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर दो हड़प्पापुर स्थल की खोज कितने वर्ष पूर्व हुई थी लगभग 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 ऑप्शन 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 ए है 150 वर्ष B, 100 वर्ष C, 50 वर्ष D, 80 वर्ष पूर्व 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 बी 100 सी 50 डी 80 इसका आंसर जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा फिर हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा सही चलिए अब इसका आंसर हम आप सभी लोगों को बताते हैं इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है हड़प्पा हड़प्पापुर स्थल की खोज आज से लगभग अस्सी वर्ष पूर्व हुई थी जो कि आप सभी लोग जानते हैं ओके आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थ्री को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल शहर का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ था इसके यहाँ आप पर चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं लगभग सैंतालीस सौ वर्ष पूर्व लगभग पचास पांच हजार वर्ष पूर्व लगभग चार हजार वर्ष पूर्व या फिर लगभग 2500 वर्ष पूर्व इसका आंसर जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आपको आंसर में ऐसे बताना है जैसे कि इसका आंसर अगर देना है अगर इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो तो थ्री का ए ओके okay, ऐसे ए आपको इस तरह से आंसर देना है कमेंट बॉक्स में और चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है हड़प्पा पुरास्थल शहर की खोज आज से ल, इसका जो निर्माण हुआ था खोज तो हुई थी आज से लगभग अस्सी वर्ष पूर्व लेकिन जो इसका निर्माण हुआ था निर्माण हुआ था आज से लगभग सैंतालीस वर्ष पूर्व इसके विषय में हमने यहाँ पर डिटेल में थोड़ी सी व्याख्या को भी रख लिया है इस शहर का निर्माण लगभग सैंतालीस वर्ष पूर्व हुआ था कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी ओके अब आइए देखते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर फोर हड़प्पा स्तर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है ऑप्शन ए गुजरात जो कि भारत में है ऑप्शन बी पंजाब जो कि भारत में है ऑप्शन सी पंजाब जो कि पाकिस्तान में ऑप्शन डी काबुल जो कि अफगानिस्तान में है जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आपसे उम्मीद सिर्फ एक ही रहती है कि हमारे आंसर देने से पहले आप सभी लोग इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दिया करें ओके और अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास सिक्स की एनसीईआरटी की समरी को नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ेगा बुक के माध्यम से पढ़ाई गई है फुल डिटेल में पढ़ाई गई बहुत ही अच्छे से पढ़ाई गई है चलिए आइए अब हम इसका आंसर आप लोगों को बताते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हड़प्पापुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है ये आपका प्रश्न था और इसके चार ऑप्शन दिए गए थे जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही अर्थात हड़प्पापुरा स्थल पंजाब में है जो कि आज पाकिस्तान में है ओके आइए अब इसके विषय में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो कि व्याख्या यहाँ पर दी गई है लगभग एक वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा मिला जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडेरों से हजारों ईंटें उखाड़ इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी तो ये है इसका इतिहास हड़प्पा जो पुरास्थल है यहाँ की कई सारी इमारतें नष्ट हो चुकी थी कब जब हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था और पंजाब में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तब वहां के जो इंजीनियर थे उन लोगों ने हड़प्पा के स्थल से जाकर के कई सारी अच्छी को वहां से उखाड़ लिया था ओके okay? अब आइए देखते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसका आंसर देना ही देना है अगर आप लोगों ने समरी को पढ़ा है तो आंसर जरूर देंगे हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है इन नगरों में से कई नगरों को दो या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था ऑप्शन बी सामान्यतः पश्चिम भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले भाग में बना था या फिर ऑप्शन सी पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को न, निचला नगर कहा या फिर ऑप्शन डी इसके दोनों हिस्सों की चार दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थीं तो इसका आंसर जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद रहती है और वो आप जानते हैं ओके तो चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं इसका आंसर है डी अर्थात जो ऑप्शन डी दिया जा रहा है जिसमें इसके दोनों हिस्सों की जो चार दीवारियाँ हैं ये कच्ची ईंटों की बनाई गई थी ये जो यहाँ पर कथन कहा गया है ये बिल्कुल गलत कथन है और ये तीनों कथन बिल्कुल ही सही है इसके विषय में हम आपको व्याख्या के भी थोड़ी सी बता देते हैं और कथन ए बी सी ये तीनों सही है परंतु कथन डी गलत है क्योंकि इसके दोनों हिस्सों की चार दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई गई थी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रहीं दीवारों को मजबूत रखने के लिए विशेष प्रकार की इनकी चिनाई की गई थी मतलब जो दीवारें बनाई गई थी दीवारों की चिनाई की गई थी अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर सिक्स ओके क्वेश्चन पांच तक हम देख चुके हैं और अब दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर छह मोहन जोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है इसके यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था ऑप्शन बी इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चार कोल की परत चढ़ाई गई थी ऑप्शन सी ऑप्शन सी दिया जा रहा है कि इसमें दोनों तरफ की दोनों तरफ तरफ से उतरने उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे ठीक है ऑप्शन डी दिया जा रहा है कि इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी तो इसका आंसर हमको जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कौन सा आंसर इसमें ये जो कथन दिए जा रहे हैं ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा कथन गलत है कोई एक कथन गलत है आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन गलत है चलिए अब हम बताते हैं आपको कि इसका कौन सा कथन गलत है इसका ऑप्शन डी गलत है ये जो यहाँ पर दिया जा रहा है कि इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी ये बिल्कुल ही गलत कथन है और इसकी व्याख्या आगे दी गई है व्याख्या नहीं है ओके व्याख्या नहीं इसकी रखी गई है क्योंकि ये छोटा सा प्रश्न था और इसको ऐसे ही समझ लीजिएगा ये जो नगर था ठीक है इसमें तालाब बनाया गया था इस नगर में जो तालाब बनाया गया था ये ईंटों और प्लास्टर के इस्तेमाल से बनाया गया था और इसमें जो ये तालाब बनाया गया था कुछ इस प्रकार से था और दोनों तरफ से सीढ़ियां थी उतरने के लिए ठीक है और सीढ़ियों के बाद में जो पानी का रिसाव रोकने के लिए जो बनाया गया था नगर ये जो तालाब बनाया गया था इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए चार कोल चार कोल की परत चढ़ाई गई थी आप लोग ये समझिएगा कि आज से लगभग सैंतालीस सौ वर्ष पूर्व नहीं इसका जो खोज हुई थी ठीक है तो ये जब बनाया गया था आज से कई वर्ष तो कि चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक दिया जा रहा है कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं ऑप्शन दो दूसरा दिया जा रहा है कि हड़प्पा मोहन और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं उपरयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या फिर है ठीक है और कथन ए दिया जा रहा है कथन ए केवल एक सही है और इसके बाद बी दिया जा रहा है कि केवल दो सही है सी दिया जा रहा है कि एक और दो दोनों सही है डी दिया जा रहा है कि ना तो एक सही है और ना ही दो सही है तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से देना है जैसे कि सातवा है तो मान लीजिए कि कथन एक सही है ठीक है मान लीजिएगा अब सही है कि नहीं तो आपको निर्णय करना है ना तो इसका आंसर ऐसे देना है सात का ए ठीक है और इस प्रकार से आपको आंसर देना होगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है अर्थात ये दोनों ही कथन सही हैं कालीबंगा और लोथल में लोथल से अग्निकुंड मिले हैं और हड़प्पा मोहनजोदाड़ो और लोथल लो इन तीनों जगहों पर बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं जहाँ पर अगर देखा जाए तो सामान्यता यहाँ पर जो खाने पीने की वस्तुएं होती थी अनाज होता था उसे रखा जाता था अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट प्रश्न संख्या आठ दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं ऑप्शन ए सिंध जो कि पाकिस्तान में है इसके बाद में दूसरा भारत में जो कि गुजरात है इसके बाद में तीसरा दिया राजस्थान जो कि भारत में है चौथा हरियाणा जो कि भारत में है पांचवा जो कि पंजाब जो कि भारत में है आज पंजाब पाकिस्तान में भी है भारत में भी है ठीक है इसके लिए यहां पर दिया जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिएगा ऑप्शन ए अर्थात केवल एक और 3, तीन यानी कि सिंध और राजस्थान में केवल हड़प्पा पुरस्थल हड़प्पा जो नगर है ये प्राप्त हुए हैं या फिर ऑप्शन बी तीन और चार सही है या फिर ऑप्शन सी एक तीन चार एक तीन चार सही है केवल एक तीन चार सही है फिर ऑप्शन डी ये पांचों कथन सही हैं। चलिए जल्दी से बताइएगा इसका कौन सा आंसर सही होगा आप लोगों से सिर्फ एक ही उम्मीद रहती है और वो तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है अर्थात इन पांचों स्थानों से हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं सिंध से जो कि पाकिस्तान में है गुजरात जो कि भारत में है राजस्थान जो कि भारत में है और हरियाणा जो कि भारत में है और इसके साथ साथ पंजाब से भी ये प्राप्त हुए हैं जो कि भारत में है हड़प्पा पुरास्थल के जो नगर हैं ये आज भी हमको यहां से प्राप्त हुए हैं इसके बाद में ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नाइन दिया जा रहा है कि यह हड़प्पा सभ्यता में घर नाले और सड़क ठीक है जो हड़प्पा सभ्यता में घर नाले और सड़क है इनका निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ऑप्शन ए इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे ऑप्शन बी अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे ऑप्शन सी इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसानी से हो ऑप्शन डी हर नाली हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके तो आपको बताना है कि इन चारों कथन में से कौन सा कथन गलत है चलिए जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आपसे एक ही उम्मीद रहती है वो आपको पता है चलिए अब इसका आंसर हम आपको देते हैं इसका ऑप्शन सी गलत है ओके इन नगरों में जो नाले हुआ करते थे यहाँ पर दिया जा रहा है कि इन नगरों के नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसानी से हो सके ये बिल्कुल ही गलत है यहाँ पर जो नाले होते थे नालों को पाट दिया जाता था ठीक है पाट दिया जाता था, और कुछ स्थानों पर कहीं कहीं पर खोल के रखा जाता था ठीक है होल बनाए जाते थे जिससे इनकी सफाई हो सके अब इसकी व्याख्या यहाँ पर दी जा रही है और व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए मैंने इसकी व्याख्या को भी रख लिया है दिया जा रहा है कथन ए बी और डी तीनों सही है परंतु कथन सी जो है ये गलत है क्योंकि इसमें से कई नगरों में नाले ढके हुए होते थे नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे जिनके जरिए इनकी देखभाल देखभाल की जाती थी ठीक है की जा सके और अक्सर नालों की नालियों अक्सर घरों की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी ठीक है और इसके बाद तीसरा पॉइंट दिया कि यहाँ के घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे बनाए गए थे ठीक है तो ये इसकी व्याख्या थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो हड़प्पा पुरस्थल वाला पूरा इसमें आपको डिटेल में मिल जाएंगे पूरे तीस क्वेश्चन है आज और इसके बाद में दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर टेन तो इसको भी देखिएगा दसवा क्वेश्चन दिया जा रहा है कि हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए इसके बाद में इसमें तीन दिए जा रहे हैं तीन कथन दिए जाने पर विचार करना है पहला कथन है नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था दूसरा है लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे तीसरा है शासक व वा, नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था कथनों में से कौन सा कथन सही है या फिर है ठीक है तो इसके यहाँ पर ऑप्शन ए केवल एक और दो सही है ये और ये सही है या फिर ऑप्शन बी केवल दो और तीन सही है या फिर ये और ये सही है ऑप्शन सी केवल तीन सही है या फिर ऑप्शन डी एक दो तीन तीनों सही है तो जल्दी से हमको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा चलिए अब हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में यहीं पर मैं आपको बताता हूं इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है अर्थात ये तीनों कथन सा यहाँ के जो शासक थे वो नगर की खास इमारतों को बनाने की योजनाएं तैयार करते रहते थे यहाँ के शिल्पकार और जो लिपिक थे ये दोनों लोग ही यहाँ पर नगरों में रहते थे ठीक है और शासक और जो नगरवासी थे इनके द्वारा व्यापार भी किया जाता था ठीक है तो इसकी व्याख्या यहाँ पर दी जा रही है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिया व्याख्या तो तीनों कथन सही हैं हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतें की योजना में जुटे रहते थे यानी कि जो हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतों की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे अर्थात जो हड़प्पा के नगर में रहने वाले वे लोग थे जो नगर की खास इमारतों की योजनाएं बनाया करते थे वो लोग यहाँ के शासक थे ये शासक लोगों को भेज करके दूर दूर से बहुमूल्य वस्तु धातु बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे अतः यहां शासक बार नगरवासी व्यापार भी करते थे इसके बाद में इसमें दो पॉइंट भी दिए जा रहे हैं पहला पॉइंट है नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक शिल्पकार भी रहते थे लिपिक मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखा करते थे ठीक है दूसरा पॉइंट दिया जा रहा है कि शिल्पकार स्त्री पुरुष स्त्री भी होते थे और पुरुष भी होते थे अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर ग्यारह दिया जा रहा है कि हड़प्पा के हड़प्पा से प्राप्त बाट जिसको आज जिससे का काम किया था बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ऑप्शन ए अर्थात पहला विचार दिया जा रहा है कि पहला दिया जा रहा है कि बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था दूसरा दिया जा रहा है कि मनकों के मनकों के निर्माण में कार्नेलियन पत्थर का प्रयोग हुआ था उपरुक्त तो कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ पर आपको कुछ तथ्य दिए जा रहे हैं कथन दिए जा रहे हैं इनके माध्यम से आपको बताना चूकी ये हैं ऑप्शन ए अर्थात केवल ये वाला सही है केवल एक ऑप्शन बी अर्थात केवल दूसरा सही है ऑप्शन सी ए एक दो, दोनों सही है ऑप्शन डी ना तो एक सही है और ना ही दो सही है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ग्यारह का ए होगा या ग्यारह का बी होगा या फिर ग्यारह का सी होगा या फिर ग्यारह का डी होगा अगर आप लोगों ने क्लास सिक्स की एनसीआर की समरी को पढ़ा जो कि मैंने आपको बुक के माध्यम से पढ़ाई थी तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके बुक से ही हैं। चलिए अब इसका आंसर हम आपको देते हैं इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है अर्थात एक और दो दोनों ही सही हैं। यहाँ के जो पत्थर होते थे यहाँ के जो बाट होते थे ठीक है बांटों को बनाने के लिए सामान्य चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था और मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थर का प्रयोग हुआ था चलिए अब इसके लिए हम आपको इसकी व्याख्या को भी बताते हैं मैंने व्याख्या को भी रख लिया है कथन दो सही है ठीक है कथन दो सही है परंतु एक गलत है मतलब यहां पर ऑप्शन यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है कथन दो सही है परंतु कथन एक गलत है यहां पर यह दिया जा रहा है नहीं नहीं गलत नहीं हुआ है ऑप्शन बी इसका सही है ठीक है इसका ऑप्शन बी सही है सी नहीं सही है सी वाला गलत है ठीक है जो इसका ऑप्शन दो है ये सही है मनको के निर्माण में कार्लियन कार्नेलियन पत्थर का प्रयोग होता था और जो पहला वाला कथन दिया जा रहा है कि बाटो को बनाने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था ये वाला गलत है ठीक है सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो तो देखना भूल गया था कि उत्तर क्या दिया जा रहा है मैंने भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाया था ठीक है तो अब आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कथन दो सही है परंतु कथन एक गलत है क्योंकि हड़प्पा के नगरों में जो बाट थे उनको बनाने के लिए सामानता चार्ट चरट पत्थर का प्रयोग किया जाता था ना कि चूना पत्थर का इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया जाता था ठीक है अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है ऑप्शन ए हड़प्पा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो ऑप्शन सी धौला ऑप्शन डी है कालीबंगा तो इन ऐसे इन चारों में से कौन सा ऐसा स्थान है जहां से एक इनमें हाँ से ये चारों हड़पी स्थल है और इनसे कौन सा ऐसा हड़पी स्थल जहां से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी हुई एक मूर्ति मिली है तो भाई इसका आंसर हम आपको देते हैं इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है अर्थात मोहन जोदड़ो से ठीक है मोहन जोदड़ो से एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें क्या है कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो जो कि कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए है और उसकी एक पत्थर पे मूर्ति बनाई गई है ठीक है अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन आप सभी लोगों के सामने हड़प्पी नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन दिया है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे दूसरा कथन है तांबा तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे तीसरा कथन है मुहरे बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग किया जाता था और इसके बाद में दिया जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है, है। ठीक है अर्थात ऑप्शन ए केवल एक कथन सही है ऑप्शन बी एक और तीन सही है ऑप्शन सी है केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है ये वाला और ये वाला ऑप्शन डी सही ये दिया जा रहा है कि एक, दो, तीन, ये तीनों ही कथन सही है तो जल्दी से हमको बताइएगा कि तेरह का ए है या बी है या फिर सी है या फिर डी है इनमें से कौन सा कथन सही है जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा ओके चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है अर्थात केवल एक और तीन केवल एक और तीन ये दोनों ही सही है बाकी जो दूसरा वाला ये गलत है तांबे और कांसे से केवल औजार बनाए जाते जाते थे और त्यार जाते थे औजार और हथियार बनाए ये वाला ऑप्शन गलत है इसकी पर व्याख्या भी दी जा रही है और व्याख्या के माध्यम से हम समझेंगे फुल इस इस फुल स्टोरी को समझेंगे ठीक है तो आइए देखते हैं दिया जा रहा है कि पुरा तत्विदों को अनेक चीजें हड़प्पा स्थानों से प्राप्त हुई हैं उनमें अधिकतर पत्थर शंख तांबे कांसे सोने चांदी जैसी धातुएं बनाई गई थीं ठीक है इन इन प्राप्त चीजों से पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, और बना जाते थे। बना जाते तांबे और कांसे से औजार हथियार गहने बर्तन बनाए जाते थे चार चीजें बनाई जाती थी जो कि इसमें ऊपर दिया जा रहा है कि तांबे और कांसे से सिर्फ औजार और हथियार बनाए जाते थे जो कि गलत है तांबे और कांसे से औजार हथियार गहने और बर्तन ये चार चीजें बनाई जाती थी और इसके बाद में चौथा पॉइंट दिया तीसरा पॉइंट दिया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरे बनाते थे इन आयताकार मोहरों पर सामान्यता जानवरों के चित्र मिलते हैं अधिकांश वस्तुओं का निर्माण प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था किया गया है ये विशेषज्ञ खास चीजें बनाने के लिए प्रशिक्षित प्रशिक्षण लेते थे जैसे कि पत्थर तराशना मन के चमकाना मोहरों पर पच्चीकारी ठीक है इन सभी कामों के लिए प्रशिक्षण लिया करते थे अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर तो चौथा क्वेश्चन दिया जा रहा है कि सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं ऑप्शन ए सोत का कोहा ऑप्शन बी मोहन जोदड़ो ऑप्शन सी हड़प्पा ऑप्शन डी राखी गढ़ी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है अर्थात किस स्थान से सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं ये चारों ही और ये चारों ही हड़प्पा स्थल हैं जो कि हड़प्पीय पूरा स्थल है हैं, और इनमें से कौन सा आंसर सही है तो चलिए इसका आंसर हम आपको देते हैं इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है अर्थात मोहन जोदड़ो से हमको सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं ठीक है अब इसकी यहाँ पर व्याख्या तो दी नहीं जा रही है चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन दिया जा रहा है कि कथन ए और कथन कारण आर ठीक है इसके आंसर से आपको आंसर बताना है कथन ए दिया है कि हड़प्पा के नगर में सूत कताई का काम होता था कारण यह है कि मोहन मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी ठीक है इसके यहाँ पर दिया जाए कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिएगा ऑप्शन ए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है अर्थात ये सही है और ये भी सही है और जो ए है ये आर का सही स्पष्टीकरण है ठीक है नहीं आर ए का सही स्पष्टीकरण सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था ये जो आर है ये ए का सही स्पष्टीकरण है ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कथन ये है कि हड़प्पा के नगरों में सूती कताई सूत कताई का काम होता था और कारण यह है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी चलिए अब इसका आंसर हम आपको देते हैं इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है अर्थात ये जो ए, ए दिया जा रहा है ठीक है ये दोनों ही कथन सही हैं परंतु जो आर है ये एक सही स्पष्टीकरण नहीं है हड़प्पा के नगरों में सूती कताई का, का काम तो होता था सूत की कताई का लेकिन मेहरगढ़ में कपास का की खेती होती थी ये इसका कारण नहीं था ठीक है ये सही तो है कि मेहरगढ़ में मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी लेकिन इस कारण से यहाँ पर ये सूत की कताई होती थी ये बात सही नहीं है चलिए अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिया जा रहा है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती कितने वर्ष पूर्व होती थी ऑप्शन ए लगभग दस हजार वर्ष पूर्व ऑप्शन बी लगभग सात हजार वर्ष पूर्व ऑप्शन सी लगभग पांच हजार वर्ष पूर्व ऑप्शन डी लगभग सात हजार पांच सौ वर्ष पूर्व तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कौन सा आंसर सही होगा चलिए अब इसका आंसर हम आपको देते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है जो मेहरगढ़ है मेहरगढ़ में कपास की खेती आज से लगभग सात हजार वर्ष पूर्व होती थी चलिए अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेवनटीन को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामानता किस रंग का उपयोग हुआ था ऑप्शन ए लाल ऑप्शन बी हरा ऑप्शन सी पांडु ऑप्शन सी नीला तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वहां पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ है हुआ था ठीक है तो इसका आंसर अब चलिए हम आपको देते हैं इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन हैं उन पर सामानता लाल रंग का उपयोग किया गया था ठीक है अब आइए देखते हैं हम इसकी व्याख्या को दिया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे इन बर्तनों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी चलिए अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखा जाए तो सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आज पूरे थर्टी क्वेश्चन है और इस चैप्टर से मैंने लगभग सारे ही क्वेश्चन निकाल लिए हैं क्वेश्चन नंबर एटीन दिया जा रहा है कि हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फयांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ऑप्शन पहला कथन दिया जा रहा है कि इन इस काल में फयांश से मन के चूड़िया बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे कथन दूसरा दिया जा रहा है कि इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहां प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे वहीं फें को कृत्रिम रूप द्वारा तैयार किया जाता था कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था चलिए इसके यहां पर दिया जा रहा है कि में से कौन सा कथन सही ऑप्शन ए अर्थात केवल एक सही है ऑप्शन बी अर्थात केवल दूसरा सही है ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही हैं ऑप्शन डी ना तो एक सही है ना तो दो सही दोनों ही गलत हैं तो जल्दी से इसका आंसर हमको दीजिएगा का ऑप्शन ए होगा बी होगा सी होगा या फिर डी होगा कौन सा होगा इन चारों में से चलिए अब इसका आंसर हम आपको देते हैं इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है अर्थात ये दोनों ही कथन सही हैं अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा तांबे का आयात कहां से किया जाता था ऑप्शन ए गुजरात ऑप्शन बी पाकिस्तान ऑप्शन सी कर्नाटक ऑप्शन सी पश्चिम एशियाई देश ओमान और राजस्थान तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जो हड़प्पा के सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो व्यापार भी किया करते थे ठीक है अब जो वहाँ के आजकल हमको हड़प्पा का पुरस्थल मिला है यहां पर जो चीज़ें लगाई जाती थी जा इसमें जो तांबा था तांबे का आयात ये लोग पश्चिम एशियाई देश ओमान और राजस्थान से किया करते थे ठीक है अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बीसवा क्वेश्चन दिया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा टिन का आयात कहां से किया जाता था ऑप्शन ए गुजरात ऑप्शन बी पश्चिम एशिया देश ओमान और राजस्थान ऑप्शन ऑप्शन सी कर्नाटक डी है आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान तो जल्दी से इसका इसका आंसर आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए चलिए अब हम आपको कमेंट बॉक्स में देते हैं ए, कमेंट बॉक्स में क्या यहीं पर देते हैं ठीक है तो इसका ऑप्शन डी इसका भी सही है अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ये टिन का आयात करते थे आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से ठीक है जो आज ईरान और अफगानिस्तान है वहां से चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ये भी इंपॉर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा सोने का आयात कहां से किया जाता था आधुनिक कर्नाटक से गुजरात से ईरान और अफगानिस्तान से या फिर राजस्थान से तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है ए बी सी डी यहां पर डी होगा ठीक है यहां पर डी होगा

पश्चिम एशियाई देश ओमान से या फिर ऑप्शन डी यहां पर होगा सी फिर से आ गया है ऑप्शन डी होगा राजस्थान से चलिए इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका आंसर सही है ऑप्शन ए अर्थात गुजरात ईरान और अफगानिस्तान से हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुमूल पत्थर का आयात करते थे ओके अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री को क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा काल के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है ऑप्शन ए कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे ऑप्शन बी हड़प्पा के लोग गेहूं जौ दाले मटर धान तेल और सरसों उगाते थे ऑप्शन सी खेतों में जुताई के लिए हल्का प्रयोग इस समय की नई बात थी ऑप्शन डी सही हर, सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था तो इसका आंसर जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है अर्थात ये ऑप्शन डी गलत है ठीक है मैं यहाँ पर थोड़ा सा बोल गया था गलत ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है गलत है ठीक है सॉरी यहाँ पर गलत दिया जा रहा है पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही नहीं है ठीक है हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वहां पर सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त होता था ये बात यहाँ पर गलत है ठीक है अब आइए इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं व्याख्या में दिया जा रहा कि इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था अतः कथन डी गलत है यहाँ सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर उससे फलों फसलों की सिंचाई की होगी चलिए अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर को जो कि मैचिंग है सुमेलित करने को बोल रहा है ठीक है सूची एक और सूची देखो दो को एक में हड़प्पा संस्कृत की बस्तियां दी जा रही हैं और सूची दो में आज भी ठीक है कालीबंगा या फिर घर ठीक है और इसके, इसके बाद तो में लोथल भोगबा तो इनमें से मैचिंग कीजिएगा जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही इसका लिए आपको मैं डायरेक्ट आंसर दे देता हूं ए बी दो सी तीन और डी चार अर्थात चारों सही हैं बिल्कुल ठीक है जो हड़प्पा है ये राबी नदी पर स्थित है अवस्थित है इसके बाद में जो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी कालीबंगा ये, काली ये घग्गर लोथल ये भोगवा ठीक है अब इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं व्याख्या दी गई है व्याख्या में बता रहा है कि हड़प्पा यह हड़प्पा स्थल सिंधु नदी की सहायक राबी नदी के तट पर तथा मोहन जोदारो सिंधु नदी के तट पर स्थित है कालीबंगा वही कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर और लोथल साबरमती की सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर स्थित है ओके अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव को पच्चीसवा क्वेश्चन दिया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलाबीरा जिस राज्य में स्थित है वही निम्नलिखित में से कौन सा है वही निम्नलिखित में से कौन सा है तो इसके यहाँ पर चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं गुजरात हरियाणा पंजाब राजस्थान इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है जिसका न जो कि धौलावीरा ठीक है ये जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात में ठीक है जो धौलावीरा है ये गुजरात में स्थित है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स आप सभी लोगों के सामने है हड़प्पा नगर दो भागों में विभक्त थे परंतु इनमें से एक नगर तीन भागों में बटा था वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था ऑप्शन ए हड़प्पा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी जोधड़ो ऑप्शन डी राखीगढ़ी तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो हड़प्पा के दो हड़प्पा नगर भी दो भागों में विभक्त थे और परंतु भाग थे ठीक है इनमें से एक नगर तीन भागों में भागों में विभक्त था ठीक है कौन सा नगर तीन भागों में विभक्त था इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है देखिएगा हड़प्पा कालीन जो नगर हैं ये सभी के सभी नगर दो भागों भागों में विभक्त थे लेकिन इनमें से एक नगर ऐसा था जिसका नाम था धोला ये तीन भागों में विभक्त था तीन भागों में बटा हुआ था इसकी व्याख्या दी गई है इसको समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है धौलाबीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पा कालीन नगर था अगर आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा कालीन नगर का सबसे विशालतम नगर कौन सा हड़प्पा कालीन ठीक है तो इसके लिए आपको बताना होगा इसमें एक पॉइंट कि जहां सभ्यता के अन्य नगर दो भागों में में विभक्त थे वहीं धौलाबीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे यहाँ सार्वजनिक प्रक्रमों कार्यक्रमों के लिए एक खुली मैदान खुला मैदान था जहां मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पदार्थों पत्थरों में खुदा पाया गया इन अभिलेखों को सामान्यता लकड़ी में जड़ा गया था यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहरों जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं ठीक है तो ये इसकी कुछ डिटेल थी अब इसके बाद में देखते हैं ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन को हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है ऑप्शन ए हरियाणा ऑप्शन बी पंजाब ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी गुजरात हड़प्पा का जो लोथल नगर है ये पर स्थित है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा मैं वेट करता हूं चलिए अब इसका आंसर हम आपको देते हैं सही है का जो लोथल नगर है ये गुजरात में स्थित है ओके अब आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हड़प्पा स्थल का लोथल नगर गुजरात राज्य में स्थित है यह नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था यह पत्थरों शंकों और धातुओं से बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था क्या राजस्थान गुजरात ठीक है राजस्थानी गुजरात अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट को तीन क्वेश्चन रह गए मात्र और यह अट्ठाईसवा क्वेश्चन है लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ऑप्शन ए यह गुजरात में माही नदी के किनारे था ऑप्शन बी यह बंदरगाह में यह बंदरगाह भी था ऑप्शन सी इस नगर में एक भंडार गृह भी था ऑप्शन डी यहां से एक इमारत मिली है जहां मनके बनाने का काम होता था इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था यह बिल्कुल गलत है ऑप्शन यहां पर ठीक है तो इसके विषय में अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं लोथल साबरमती नदी की एक सहायक नदी जिसका नाम है भोगबा के तट पर अवस्थित है ना कि माही नदी के किनारे तो आप लोगों ने अगर कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे तो इन सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा और साथ ही साथ हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करें ठीक है जिससे कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारी वीडियोस पहुंच सके और वो अपनी तैयारी को कर सके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन दिया कि क्वेश्चन नंबर उन्तीस दिया जा रही हड़प्पाकालीन मुद मुहर जिसको मुद्रा कहते हैं और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक दिया जा रहा है कि मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या डिब्बों थैलों को या ठीक या, है यहाँ पर डिब्बो या, यस यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा डिब्बों थैलों को डिब्बो या होगा यहाँ पर ठीक है डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरे दूसरी जगह भेजे जाते थे अर्थात जो हड़प्पा काली नगर में जो मुहर थी ठीक है जिसको मुद्रा भी कहते थे ठीक है मुद्रा गलत है मुहर जिसको आज हम लोग सील बोलते हैं ना मुहर लोग कहते हैं मुहर लगा दो ठीक है तो जो मुहर होती थी उसको उसका उपयोग किस लिए किया जाता यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया कि डिब्बे और जो थैले होते थे उनको चिन्हित करने के लिए किया जाता ऑप्शन बी शासक द्वारा शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था तो इसमें से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है ठीक है तो इसमें से उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है ऑप्शन ए अर्थात केवल एक सही है उनतीस का केवल एक सही है ऑप्शन बी अर्थात २९ का केवल दूसरा सही है ऑप्शन सी केवल २९ का एक और दो दोनों सही है ऑप्शन डी अर्थात उनतीस का कौन सा ना तो एक सही है ना ही दो सही है ठीक है अब इसका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट दिया जा रहा है ये वाला अर्थात जो मोहर थी इसका प्रयोग किया जाता था डिब्बों और थैलों को चिन्हित करने के लिए अब इसकी व्याख्या भी दी जा रही है तो व्याख्या में पूरा सवाल को कन्फर्म कर देता हूं मैं व्याख्या में दिया जा रहा है कि थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहरें इनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी मोहर की छाप को मुहरबंदी अथवा मुद्रांकन कहते हैं ठीक है अगर छाप टूटी हुई मिल टू, टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी एक बात थी ठीक है आजकल अगर देखा जाए तो नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है लेकिन जो पहले तक क्या था कि कोई डिब्बा है इसकी सील बंद कर दी गई है उसके ऊपर गीली मिट्टी लगा करके एक सील लगा दी गई अब अगर यह सील टूट गई है अगर गीली मिट्टी की जो सील लगी है टूट गई है तो डिब्बे के साथ छेड़छाड़ हुई है और नहीं टूटी है तो नहीं हुई है अब आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन हड़प्पा के हड़प्पा सभ्यता के अंत के हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ठीक है तो ऑप्शन ए A, नदियों का सूख जाना ऑप्शन बी जंगलों का विनाश ऑप्शन सी शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना अर्थात जो हड़प्पा कालीन जो नगर थे हड़प्पा जो सभ्यता है इसका अंत किस प्रकार से हुआ इस पर कुछ विद्वानों ने अपने तर्क दिए हैं विभिन्न तर्क दिए गए हैं एक तर्क दिया गया कि नदियों का सूख जाना एक कारण था ऑप्शन बी दिया जा रहा है कि जंगलों का सूख जाना इसके तीसरा दिया जा रहा है कि सासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिएगा ऑप्शन ए केवल एक सही है ऑप्शन बी केवल दो सही ऑप्शन सी एक और दो दोनों दो सही है और ऑप्शन सी एक दो तीन तीनों सही है तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं व्याख्या के साथ ठीक है ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसको व्याख्या को भी हम बताएंगे दिया जा रहा है कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है ठीक है हड़प्पा से हड़प्पा के पतन के कारणों के विषय में विभिन्न विद्वानों ने मत दिए हैं इनमें नदियों का सूख जाना ईटे पकाने के लिए ईंधन की जरूरत और मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों को चा, चारा जरूरतों के कारण जंगलों का विनाश और राजाओं का नियंत्रण समाप्त तो होना तीन कारण सम्मिलित हैं यह मत अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तर्कों के साथ दिए गए अब क्या था जब हड़प्पा की खोज हुई थी तब यहाँ पर कई विद्वानों ने अपने ए, अपने रिसर्च किए अपने अपने मत दिए तो यहाँ पर जो इसका निष्कर्ष निकला था वो ये था कि यहाँ पर जो अच्छी अच्छी इमारतें बनाई गई थीं तो ईटे भी अच्छी लगाई गई थी अब ईटों को पकाने के लिए जो वहां के जंगल थे उनको काट करके उसकी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था ठीक है तो बन समाप्त हो गए थे अब बड़े बड़े जानवरों के झुंड थे तो उनको उनको चलाने के लिए भी जंगलों में जाया करते थे तो जंगल समाप्त हो गए थे ठीक है अब नदियां भी सूख गई थी क्योंकि यहाँ पर बड़ी जनसंख्या रहती थी और इसके साथ साथ क्या होता कि जो वहाँ के राजा लोग थे उनका नियंत्रण भी समाप्त हो गया था शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था इस कारण से यहाँ पर जो है तो ये हड़प्पा कालीन जो नगर था इसका विनाश हो गया था अब इसके विषय में दो पॉइंट दिया जा रहा है कि जो भी हुआ परिवर्तन का असर स्पष्ट दिखाई देता है आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियों बस्तियां उजड़ गई थी कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्र में नई बस्तियों में जाकर के बस गए और इसके दूसरा पॉइंट है इसके लगभग 1400 वर्ष के बाद लगभग पच्चीस दो वर्ष पूर्व नए नगर का विकास हुआ था ठीक है जब इसका विनाश हो गया था हड़प्पा काली नगर का तो इसके लगभग 1400 वर्ष बाद में ठीक है आ, मतलब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाला पॉइंट है तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा जब हड़प्पा कालीन नगर का विनाश हुआ था उसके लगभग 1400 वर्ष बाद और आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व ठीक है नए नगरों का विकास हुआ था ठीक है तो आज के इस हमारे वीडियो में इतने ही प्रश्न थे आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें ओके और हमारे इस दृढ़ संकल्प चैनल पर यूपीएससी की तैयारी स्टार्टिंग से फ्री में कराई जा रही है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोज को देखें और अपनी तैयारी को सरल बनाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई है हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा पर उस अपनी आईडी को बनाइएगा और सर्च कीजिएगा दृढ़ संकल्प यूपीएससी स्टडी ग्रुप वहां पर आपको हमारा ये इस प्रकार का लोगो बन करके आएगा और चैनल मिल जाएगा उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और वहां पर पीडीएफ आपको डे दे दिए जाते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जय हिंद दोस्तों